बच्चों, आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम सबके बीच बांटते हुए माफ कीजिए पधारते हुए अतिथि महोदय विधायक जी और सभी माननीय लोग, इन सबका मैं हृदय फाड़ के स्वागत करता हूँ। हमारा नाम गायब ही कर दिया इसने, सैलरी से 50 रुपए काट लूंगा इसके। अच्छा बच्चों, आप में से कोई बताएगा कि 15 अगस्त को क्या हुआ था? यस सर, मैं बताऊंगा। बहुत सुंदर बेटा विधायक जी, ये मेरा सबसे होनहार स्टूडेंट है, ये मुझसे कोचिंग पढ़ने भी आता है मेरे घर पर, वहीं से ये इतना होनहार हुआ है। बताओ बेटा। सर, पिछले 15 अगस्त को मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को तलाक दे दिया था। ससुरी बहुत खर्चा करवाती थी मेरा। ए बट्टी, क्या बोल रहा है ये? ये कैसी कोचिंग पढ़ाते हैं? अरे सॉरी सॉरी नेताजी। बेटा तुम क्लास से बाहर निकलो, डबा हो जाओ। सर, लड्डू लेने आऊं दोबारा या अभी लेके चला जाऊं? बताओ तुझे अभी, बट्टी कुछ नहीं मिलेगा तुझे, निकल यहाँ से। सर, मैं बताऊँ 15 अगस्त को क्या हुआ था? हाँ बेटा, हमें तुमसे उम्मीद है, तुम ही बताओ। सर, मैंने पिछले 15 अगस्त को स्कूल में से बहुत सारे लड्डू चुरा लिए थे। ज्यादा लड्डू खाने की वजह से मुझे भारी मात्रा में डायरिया वाली पेचिस हो गई थी। कसम खुदा की, बचपन के बाद उस दिन जाकर के मुझे हदीस पहनाया गया था। तू ही निकल क्लास से बाहर, चल सब स्कूल की बड़े है क्लास में। सर, मैं लड्डू नहीं खाऊंगा इस साल, मुझे दोबारा लड्डू लेने के लिए मत बुलाना। बताओ तुझे अभी, ससुरा सब पगलता भरे है क्लास में। ये क्या हो रहा है इस स्कूल में? मेरा समय बहुत ही ज्यादा कीमती है और आप लोग मिलकर के इसे बर्बाद कर रहे हैं। अरे माफ कीजिए नेताजी, बस ये 2 बच्चे ही बहुत ही ज्यादा महाशैतान थे। अब कोई नहीं है इतना शैतान क्लास में, सब सीधे साधे बच्चे हैं हमारे। सर, ये शैतान फिर आ गया। मैं अपना बैग लेने आया हूँ। तू फिर आ गया? मैं अपना बैग लेने आया हूँ सर, गलती से ले जाना भूल गया था। कुछ नहीं मिलेगा तुझे, निकल यहाँ से। अरे सर, मेरे बैग में मेरी गर्लफ्रेंड का बहुत ही कीमती गिफ्ट रखा हुआ है, बस वो ही निकालने आया हूँ, फिर शांति पूर्वक चला जाऊंगा क्लास से। एक बार में सुनाई नहीं दिया तुझे, निकल यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। अरे सर, मैं स्कूल में कभी नहीं आऊंगा, मुझे बस मेरा बैग ले जाने दो। ए बच्चों, जरा देखो तो इसके बैग में ऐसा क्या रखा है जो इतना बिल मिला रहा है इसके लिए। सर, इसमें तो बॉम्ब रखा हुआ है। तू क्या आतंकवादी है जो इतना बड़ा बॉम्ब लेकर का क्लास को उड़ाने आया है? अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, वो बॉम्ब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेके आया था, उसे 15 अगस्त पर गिफ्ट देने के लिए, ताकि कोई भी आतंकवादी उसके करीब न भटक पाए। वाह बेटा वाह, तुम्हें तो हमारा सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। तुम इस स्कूल में पढ़ के अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो? कल से आकर के ज्वाइन करो। ओए विधायक, अपने लड़के को सुधार लेना, बहुत लाइन मारता है मेरी वाली पर, और उस पर लाइन मारने वाला हर एक बंदा मेरे लिए आतंकवादी है। ये बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सुपुत्र के बारे में ऐसे कहने की? तू बच्चा है इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, अगर तू कोई आदमी होता तो तुझे इसी क्लास से उठवा लेता अभी का अभी। अरे विधायक जी, शांति बनाए रखिए, मैं देख लूंगा इसको। ए तू निकल यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुझे, बैग निकल यहाँ से। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे बीच माननीय विधायक जी 2 शब्द कहेंगे आके आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए। आइए विधायक जी, 2 शब्द कहिए आके। मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी एक जंग है, इसे हमेशा लड़ते रहिए, अपनी मुसीबतों से डरिए मत। अरे वाह, ये विधायक जी ने अच्छा कहा, मेरी मुसीबत तो यही है, ये ले। खड़ा हो जा जल्दी जी। नेताजी, क्या जरूरत थी इसको लात मारने की है? अरे आपने ही तो कहा था विधायक जी, हमेशा लड़ते रहिए अपनी मुसीबतों से, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत है। जिस लड़की से मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ और उसका बाप इस चूतिए से शादी करवा रहा है, मुझे अपनी जिंदगी की अभी तक सबसे बड़ी मुसीबत यही लग रही है, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सही कहा विधायक जी आपने। तुम सब बच्चे पागल हो क्या? कोई भी बात को सीधा क्यों नहीं समझते? नहीं रुकूंगा मैं इस स्कूल में, 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा, तुम सब टीचर्स को सस्पेंड करवा के रहूंगा। अरे अरे नहीं विधायक जी, ऐसे गुस्सा मत करिए। अरे अरे विधायक जी, ऐसा ना करिए, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी हमारी। अरे विधायक जी रुकिए, सब तुम लोगों की वजह से ही हुआ है, तुम सबके ऊपर मेरा लट चलेगा एक एक करके। आ जाओ बेटा। अरे नहीं सर, माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं सर, नहीं। ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए BSR माहौल को सब्सक्राइब करें।